क्या है पूरा मामला वो बता दीजिए। ये गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी 17 अगस्त को, धनकोट पुलिस पोस्ट पड़ती है हमारी पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के अंदर, जिसके अंदर एक सूचना प्राप्त करी थी। जो शिकायत करता था वो संदीप नाम का व्यक्ति है, उन्होंने एक शिकायत लिखित शिकायत दी गुड़गांव पुलिस को कि उनकी वाइफ है अंजलि, जो कि ये ROF सोसाइटी सेक्टर 102 102 में रहते हैं, और 19 दिसंबर 2022 को उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। संदीप और जो अंजलि मृतका है, जो इनकी वाइफ, वो दोनों ही सुरैती झज्जर के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और गुड़गांव में 19 दिसंबर 2022 से, जैसे जिस दिन इनकी शादी हुई 19 दिसंबर 2022 से ही ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस दौरान उन्होंने अपनी जो लिखित शिकायत दी उसमें ये भी सूचना दी है पुलिस को कि ये 17 अगस्त 2023 को त्यौहार के कुछ संबंध में अपनी सिस्टर के घर गया हुआ था, और उस दौरान पीछे से अंजलि घर पे अकेली थी, और अंजलि और जहाँ पर संदीप जिस फ्लैट में रहते थे उसके साथ अंजलि का भाई जो कुणाल बताया गया है और उसकी वाइफ भी, जिस दिन जब से ये इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे उसी दौरान से ये साथ साथ रह रहे थे। तो कुणाल, कुणाल की वाइफ और अंजलि और संदीप, ये सारे ही एक फ्लैट में रह रहे थे। और जिस तरीके से जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके कुणाल वहाँ पर काफ़ी समय से इनके साथ रह रहा था, और ये मौका ढूंढ रहे थे कि जब भी अंजलि अकेली घर में मिले या उसको ऐसे इनको परिवार को मौका मिले तो ये किसी भी ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दें, क्योंकि जो संदीप और अंजलि ने लव मैरिज करी थी और इंटरकास्ट मैरिज करी थी, जिस वजह से जो अंजलि के पेरेंट्स थे वो नाखुश थे। तो इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी। जिस प्रकार से जब 17 अगस्त को जब इनको टाइम मिला, जैसे संदीप अपनी सिस्टर के पास कुछ त्यौहार के संबंध में जब उनसे मिलने गया, तो अंजलि को जब अकेला पाके कुणाल ने अपने माता पिता को सूचित किया, और फिर कुलदीप अपने किसी साथी की एक व्हीकल को, कार को लेकर इस फ्लैट के ऊपर पहुंचा, और उस दौरान फिर अंजलि के जो फादर कुलदीप हैं, जो अंजलि की मदर जो रिंकी हैं, और कुणाल उनका उसका भाई, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और अंजलि का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं, उसके बावजूद उसकी डेड बॉडी ले जाकर पोस्टमार्टम ना हो, पुलिस को किसी बात के ऊपर कोई ऐसा एविडेंस ना मिले, उस संबंध में सुरेती गांव झज्जर के अंदर उसकी डेड बॉडी ले जाकर मृतका की, और वहां पर उसको जला दिया गया ताकि पोस्टमार्टम ना हो पाए और इस तरीके से कोई भी घटनाक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त ना हो। लेकिन जब उसकी हत्याक्रम का जो ये उन्होंने कृत किया, उस दौरान जो संदीप के पास एक उसके फ्रेंड ने सूचना दी कि इस तरीके से उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो जिस दौरान जब संदीप वहाँ पहुँचा और पुलिस के पास लिखित शिकायत वगैरह करी, तो उस दौरान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी हत्या करी गई है, लड़की जो अंजलि मृतका है, और उसके पेरेंट्स ने उसकी हत्या करी है, और फिर बाद में जो डेड बॉडी है वो जला दी गई। उस संबंध में शव को किस हालत में बरामद किया गया, कहाँ से बरामद किया गया? शव जो है सुरेती है, गांव सुरेती झज्जर के अंदर इन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, वहां ले जाके जो मृतका का जो डेड बॉडी थी वहां पर जला दिया गया था, और काफ़ी छिन्नभिन्न तरीके से वो काफ़ी उस सिचुएशन है कि वो प्रॉपरली उसको वो जल चुका है, तो फॉरेंसिक तरीके से उस पर हम छानबीन कर रहे हैं और जो अवशेष हैं उसको हम लेते हैं। आपने कहा इंटरकास्ट मैरिज थी, किस किस जाति के थे दोनों ये लड़का और लड़की? ये लड़का और लड़की दोनों ही, जो लड़का है वो और जो अंजलि है, ये जो उनका परिवार है, दोनों ही ये सुरहती झज्जर के रहने वाले हैं, और जो लड़का है, जो संदीप जो हस्बैंड था अंजलि का, वो ब्राह्मण कास्ट से है, और जो लड़की जो थी और जो ये एक्यूज्ड भी हैं, ये जाट है। 6 महीने पहले शादी की थी, क्या पहले से ही तय था, पहले से ही प्लानिंग थी कि मौका मिलते ही हत्या करनी? देखिए, पूछताछ में अभी तक यही सामने आया है कि जिस तरीके से ये पहले ही सुनियोजित तरीके से ये इन्होंने प्लानिंग करके ही कुणाल और कुणाल की वाइफ को वहाँ पर भेज दिया गया था। अभी पूछताछ में अभी ये भी हम देख रहे हैं कि कुणाल की वाइफ, जो कि मौके पर नहीं थी वहाँ पर जब ये हत्या जो हुआ है, तो उस दौरान कि उसका क्या रोल रहा है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल जो गुड़गांव पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन के बिहाफ पर तीनों आरोपियों को, जो कुलदीप है जो कि मृतका का फादर है, और जो रिंकी मृतका की जो मदर है, और कुणाल जो उसका भाई है, तत्परता दिखाते हुए विद इन
48 आवर्स के अंदर अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया सर? गुड़गांव से उनको अरेस्ट कर लिया। सर जो कुणाल है, आपने पहले बताया कि उसने भी लव मैरिज की हुई है, क्या उसकी भी इंटरकास्ट मैरिज है और क्या परिवार वाले उससे खुश थे? ये अभी जांच का विषय है सारा मैटर, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर, क्योंकि आज मॉर्निंग आवर्स में इसको अरेस्ट करके लेके आए हैं और अब इनका रिमांड हासिल करा जाएगा। जो संबंधित व्हीकल्स जिन्होंने इन्होंने यूज करे थे, कुछ बाइक्स पाए थे ये जो व्हीकल्स लेके आए थे जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं, उनको भी अभी हम रिकवर करेंगे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी तथ्यों पर जांच करी जाएगी, गहनता से जांच करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके की जो ये कृत हैं ये बहुत शर्मिंदा वो हैं, और इस तरीके से कि हमारे जो खासकर प्रदेश के अंदर इस तरीके की जो घटनाक्रम ना हो, हमारी जो हरियाणा सरकार है पुलिस के व्याप पर हम इसको बड़ी संजीदगी से देखते हैं, इस तरीके के घटनाक्रम ना हो, ऐसे सामने ना हो, काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर कुछ लोग इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो बहुत निंदनीय है वो। उस संबंध में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और संबंधित सभी तथ्यों के ऊपर जांच की जाएगी। कुणाल की क्या कुछ भूमिका निकल के आई है सर इसमें? कुणाल साथ में रह रहा था, कर जो पूछताछ हुई है अभी उसमें कुणाल और कुणाल की मदर जो फादर हैं, इन तीनों का ये भी रोल आया है कि इन तीनों ने मतलब वहाँ मौके पे घटनाक्रम पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि जो कुलदीप है जो मृतका का फादर है उसने गला घोट के जो अंजलि की हत्या करी है, और कुणाल और उसकी मदर साथ में मौके पे मौजूद थे। बताया जा रहा है हाथ पैर पकड़ लिए और उस तरीके से जो कुलदीप ने गला घोट दिया और हत्या कर दी। सर क्या अंजलि प्रेग्नेंट थी? इसके बारे में अभी सूचना नहीं है। अभी फोरेंसिक तौर पर जो जिस तरीके से डेड बॉडी के जो अवशेष हमने रिकवर करे हैं तो फोरेंसिक और डॉक्टरों के माध्यम से उसकी हम सूचना एकत्रित करेंगे और इकट्ठा करके हम आपको अपडेट करेंगे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आती है। सर हत्या कहां पर की गई और किस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया? अगर हत्या गुड़गांव में हुई है तो उसको शव को किस तरह से ये बिल्डिंग से निकाल कर लेकर गए, क्या किसी ने देखा उस समय कुछ? देखिए सीसीटीवी वगैरह फुटेजेस वगैरह पुलिस ने अपने कब्जे में लिए और जो कि प्रारंभिक जांच के दौरान अभी बातें सामने आई हैं उसमें यही बात सामने आई है कि जो हत्या को अंजाम देने वाले उसके फादर मदर और जो उसका भाई जो कुणाल बताया गया है, इन्होंने लगभग 11-12 बजे के आसपास ये उस फ्लैट पे गए हैं और फिर बाद में वहाँ पर जब उसे गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई, लड़की की मृत्यु हो गई, उस दौरान इसको फिर उठा के अपनी गोदी में उठा के लेके गए हैं और गाड़ी में डाल के कुलदीप व्हीकल को लेके गया है जो उनका पैतृक गांव बताया है सुरेती झज्जर के अंदर, और वहाँ जाके बिना किसी को बताए इन तीनों ने ही उस लड़की के शव को आग लगा दी और जला के उसके ताकि इस तरीके से पोस्टमार्टम ना हो पाए, संबंधित कोई और जानकारी ना मिल पाए। सर क्या गांव में किसी को सूचना लग पाई कि ये गांव के ही लोग, गांव की जो शमशान घाट है उसमें किसी का दाह संस्कार कर रहे हैं, कौन हो सकता है या गांव की तरफ से कोई पूछताछ? अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है सारा, क्योंकि अभी पूछताछ होगी, आज मॉर्निंग में इनको अरेस्ट करा गया है तो उसकी गहनता से जांच करी जाएगी, हर एंगल से इसके जितने भी तथ्य हैं उसके संबंध में पूछताछ करी जाएगी और ताकि संबंधित कोई और अन्य व्यक्ति विशेष इस घटनाक्रम में संलिप्त है, कोई किसी और का भी अगर दोष है तो उसके संबंध में उन आरोपियों के खिलाफ भी जायज कार्रवाई करेगी। मृतका क्या कर रही थी गुड़गांव में, क्या हाउसवाइफ थी? मृतका हाउसवाइफ थी और वो बीएससी की स्टूडेंट थी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। संदीप कहाँ का रहने वाला था? संदीप और अंजलि दोनों ही सुरेती गांव के रहने वाले थे, झज्जर के रहने वाले।